नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। खरौंदी मुख्यालय स्थित बिजली सब स्टेशन में सोमवार को रात चोरों ने ऑपरेटर प्रवेश कुमार और जूनियर लाइनमैन ब्रासिस जेवियर कुजूर को बंधक बनाकर लगभग 40 लाख की संपत्ति चुरा ली। भुक्तभोगी बिजली कर्मचारी के कथानुसार 10 से अधिक की संख्या में हथियार बंद चोर रात्रि के लगभग 10:30 बजे मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और रूम में हम लोगों को पिटाई करते हुए दोनों का हाथ बांधकर मोबाइल छीन लिए और सब स्टेशन में लगे 3.15 MVA पावर के ट्रांसफार्मर से 33,000 के विद्युत तार का कनेक्शन हटवाकर चोरों ने तेल, क्वाइल और महंगे सामानों के साथ हम लोगों के भी कपड़े पैसे ले गए। भुक्तभोगी ने बताया कि चोर दो गाड़ी से आए थे और 3 बजे भोर में सामान लेकर चले गए और हमेशा हम लोगों को अलग हटकर मोबाइल से कहीं बात कर रहे थे। चोर गैस कटर का उपयोग सामान काटने में कर रहे थे। जय महादेव महतो ने बताया कि लगभग 30 से 40 लाख का सामान चोरी हुआ है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विजय सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पूछने पर बताया कि जांच पड़ताल किया जा रहा है, बहुत जल्द चोरों का खुलासा कर दिया जाएगा। चोरी के घटना को लेकर सभी चौक चौराहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं व्यवसायियों व ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि खरौंदी में चोरी की घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन सक्रिय नहीं है। खरौंदी सब स्टेशन में गैस कटर से कार ट्रांसफार्मर के लाखों का सामान चोरी। अंधेरे में डूबा पूरा क्षेत्र। आसपास के क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर चोरों का गिरोह सक्रिय है। वहीं स्थानीय प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है। ताजा मामला खरौंदी सब स्टेशन का है, जहां चोरों ने सोमवार की रात फिल्मी अंदाज में कार्यरत विद्युत कर्मी को बंधक बनाकर गैस कटर से 3.15 MVA ट्रांसफार्मर को काट कर ट्रांसफार्मर का तेल एवं बेस कीमती लाखों का क्वाइल चोरी कर चंपत हो गए।